लड़की की बरामदगी के लिए परिजनों का धामपुर थाना कोतवाली के गेट पर जोरदार प्रदर्शन। धामपुर गैर बिरादरी के युवक द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाई गई युवती की बरामदगी की मांग को लेकर पीड़ित परिजनों ने धामपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस का घेराव किया। उधर धामपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपुर बांगर निवासी किरण देवी पत्नी स्वर्गीय दलवीर सिंह ने धामपुर पुलिस को तहरीर देकर जितिन कुमार पुत्र स्वर्गीय सुभाष कुमार पर उसकी पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले जाने का आरोप लगाया है। साथ ही उसके चाचा उदयराज व ताऊ भोजराज पर संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए युवती को सकुशल बरामद कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कही है। कार्रवाई ना होने की स्थिति में पीड़ित परिजनों ने शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य विवेक सेन के नेतृत्व में ग्राम उमरपुर बांगर के दर्जनों महिलाओं सहित ग्रामीण जोरदार प्रदर्शन कर पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मिले। वहीं धामपुर थाना प्रभारी माधव सिंह बिष्ट ने कहा, मुकदमा दर्ज हो चुका है, आरोपियों की तलाश करी जा रही है। देखते रहिए रियल इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश की सभी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विवेक भाई, आज थाने में दर्जनों महिलाएं हैं, काफी ग्रामीण हैं, क्या है पूरा मामला? ये सभी ग्रामवासी ग्राम बांगर के रहने वाले हैं। कल दिनांक 29 तारीख से ग्राम उमरपुर की एक बहन हमारी जो है वो लापता है और उसकी मम्मी भी यहाँ उपस्थित है और कल से ही लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, जिसके लिए हमने ट्विटर के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज करी और अभी 10:42 पे जब आज दो दिन हो गए उसके बाद आज मुकदमा दिखा गया और अभी भी लोग यहाँ आए हुए हैं कि शिकायत है। पुलिस ने कोई जो वैधानिक कार्रवाई अभी तक नहीं करी है, ना गांव में जाकर लड़की की तलाश करी है, ना जिस पर नाम दर्ज मुकदमा है ना उन्हें अभी तक पकड़ा गया है और लगातार पुलिस दबाव बनाने का काम कर रही है और इन्हें लगातार ताक रही है। अभी थाना प्रभारी आपसे वार्ता कर रहे थे, क्या आश्वासन दिया? उनका जो आश्वासन था कोई आश्वस्त करने वाला आश्वासन नहीं था, वो एक टालमटोल वाली बात थी। और जिस तरीके से लोग यहाँ आ जाए, ये तब आते हैं लोग जब कानून उनकी मदद नहीं करता। किसी भी परिवार को या गांव को ऐसा कभी अच्छा नहीं लगता कि उनकी बहन बेटी की जब कोई ऐसी बात हो तो उसे सार्वजनिक करा जाए। ये लोग कल से चुपचाप थाने पर आके कई बार अपनी शिकायत दर्ज कराए, जब उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, किसी भी अधिकारी कर्मचारी उनकी सुनवाई नहीं करी, तब आज दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ आए और आज पुलिस से अपनी बात रखी है कि हमें हमारी लड़की बरामद करके आपको देनी है और उसके बाद केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर थाना प्रभारी ने अपनी बात रखी है कि हाँ हम जल्दी प्रयास करेंगे। आपका कहाँ की रहने वाली है? आज थाने का घेराव कर रही हो धामपुर थाने का, क्या मामला है? जी, हमारी लड़की को जबरदस्ती ले जाया गया, कोई हमारी सुनवाई भी नहीं कर रहा और उनके घर पे गए थे लड़कों वालों के, वे भी हमें बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और इनके कल रिपोर्ट भी करवाई तो इन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं कर पाए। अब बताइए हम क्या करें? और वे यूँ कह रहे हैं कि तुम्हें भी रखेंगे, तुम्हारी लड़कियों को भी रखेंगे, ये तरीके होते हैं क्या?